विल्सन तू कौन है? रुक 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 डंडे का साइज देख के डर जाऊंगा। मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूं, पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। मिस्टर विल्सन, आपने बेहोशी की हालत में अपनी पैंट पीली कर दी थी। मेरी पैंट मेरी मर्जी, तू है कौन और मैं यहां कैसे आया? मेरे साथ चलो। वेट, तुम बड़े ही स्पेशल हो। तुम्हें मौका मिल रहा है हीरोज का हीरो बनने का। समझ रहा हूं तेरे दिमाग में क्या गोबर पक रहा है। मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए हैं। अब तो लगता है अपोनेंट है मार्वल का भगवान। और बॉल का मजा। टाइम प्लीज। एक्समैन ओरिजिन वोल्वरिन से पहली बार डेडपूल को देखने को मिला। उसके बाद 2017 में डेडपूल 1 रिलीज हुआ, जो लोगों को एक फनी कॉमेडियन एंटरटेनर सुपरहीरो को जानने को मिला, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। उसके बाद 2018 में इसका दूसरा पार्ट यानी कि डेडपूल 2 रिलीज हुआ, जहां डेडपूल ने मूवी की एंड में टाइम मशीन से छेड़छाड़ करके पास्ट में जाकर कई सारी चीजें चेंज किया, और इसी कारण के वजह से अपकमिंग डेडपूल 3 मूवी में TVA उसको पकड़ लेता है और एक नई मिशन में भेजता है, जो मूवी में आगे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही वुल्वरीन की कई वेरिएंट हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। उनमें से एक ह्यू जैकमैन और DC सुपर हीरो मूवी का एक्टर हेनरी कैवल भी वुल्वरीन के वेरिएंट में हमें देखने को मिलेगा डेडपूल 3 मूवी में। दोस्तों, ऑफिशियली 26 जुलाई को डेडपूल 3 सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। वैसे आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।